अल्लाह ताला बरकत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मोहतरम बुजुर्गों अजीज साथियों, आज की ये नूरानी महफिल इकरा एजुकेशनल सोसाइटी की सरपरस्ती में इस महफिल का इनेकाद किया गया और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जश्न सनाए सरकार की महफिल सजाई जाती है, रचाई जाती है, बसाई जाती है। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर इस अंजुमन के अराकीन और इस महफिल के सजाने रचाने वाले लोगों के उम्र में, इल्म में, फजल में बेतमाल बरकतें अता फरमाए। सरकार की आमदामद का महीना है और आज मेरा मौजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े को बयान करना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मोजज़ा देकर नहीं भेजा, बल्कि रब्बे कायनात ने आपको मोजज़ा बना के दुनिया में तशरीफ फरमाया है, दुनिया में भेजा है। अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कलाम से करते हैं। आला हजरत जब नबी की शान लिखते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और फरमाते हैं, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फमन, फमन में दुल्हन, सजाए मेहन में ऐसे मिलन, ये अमन व अमां तुम्हारे लिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अपने नबी की तारीफ फरमाते हैं तो कहीं पर इरशाद फरमाते हैं, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, कहीं पर इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का बोले ज़ेबा कहूं तुझे। मोहतरम हज़रात जरा अपने ज़हन को करीब कीजिए, मैं आपको बताऊं, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताते खुद मोजज़ा बना के दुनिया में मबऊस फरमाया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को मोजज़ा बना के दुनिया में मबऊस फरमाया। सहाबा अर्ज करते हैं कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर नबुव्वत की कोई दलील न होती तो आपका चेहरे मुबारक इतना हसीन व जमील था कि आपकी नबुव्वत की दलील के लिए वही आपका चेहरा ही काफी था। अल्लाह अकबर, जब सहाबा सरकार के चेहरे अक्दस को देखते तो अर्ज करते, वअहसनु मिन कलम तरकत आइनी वअजमलु मिन कलम तलिद निसा खुलिक्ता मुबर्रान मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका कद खुलिक्ता कमा तशा। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब हजरत हसन की शायरी का तर्जमा करते हैं तो अपने अंदाज में यूं अर्ज करते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कठुआ नहीं, या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे
نکلتے جسم میں جا رہی ہیں۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ اتنا حسین و جمیل تھا، لوگ دیکھتے ایمان لے کر آتے۔ میں اس پر گفتگو بعد میں کروں گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر یعنی بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی۔ حضرت علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں، کوثر اس کو کہا جاتا ہے، ایسی نعمت کو کہا جاتا ہے جس کو انسان شمار نہ کر سکے۔ کوثر ایسی نعمت کو کہا جاتا ہے جس کو انسان شمار نہ کر سکے۔ اور یہی پر روک کر ایک بات میرے ذہن میں اور آ گئی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اعطا یعطی ارتا فعل ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا قریب کریں گے تو بہت آسان سبق ہے، انشاءاللہ جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ اعطا یعطی ارتا ایک فعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا دینا، وہ تو سے ہے۔ اور ایک فعل آتا ہے اعطا یعطی، تے کے ساتھ آتا ہے، تا الف با تا کے ساتھ آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتا تو فرما سکتا تھا، تا کے ساتھ فرما سکتا تھا، آتا، اے محبوب میں نے تمہیں عطا کیا، اس کا بھی معنی یہی ہوتا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا اعطینا، تو کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ حضرت علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ اگر انسان آتا بولے تو آتا کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز عطا کر دینا اور اس کا مالک بنا دینا، کسی کو کوئی چیز عطا کر دینا اور اس کا مالک بنا دینا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں کا اپنے محبوب کو مالک بنا دیا، اپنے خزانوں کا اپنے محبوب کو مالک بنا دیا ہے، جسے چاہے جیسا چاہے جب چاہے عطا فرمائے۔ تبھی تو سرکار تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ ہے، فصلی لربک وانحر، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد آیت کریمہ ہے، ان نشانیک هو الابتر، کہ بے شک آپ کو جو دشمن ہوں گے ان کی نسل منقطع ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ، اس سورہ مبارکہ کی ذرا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ نازل کب ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کی بیوی ہیں، آپ کی شریک حیات ہیں، ام المؤمنین ہیں، آپ کے وطن مبارک سے دو صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ جب دو صاحبزادے پیدا ہوئے تو بچپن ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا، دونوں صاحبزادے کا بچپن انتقال ہو گیا۔ مکہ والوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی، مکہ والوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی، تو اب کی اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی، ان کی اولاد دنیا میں نہ رہی، اب اسلام کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اب ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اب اس سلسلے کو آگے بڑھانے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اور ابو لہب، جو ابو لہب لوگوں کے پاس آیا، مشرکین مکہ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، بدیرا محمد اللیلتا، اے لوگوں آج محمد کے صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا ہے، آج ہو گئے ہیں، ان کی نسل منقطع ہو گئی، خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ اسلام یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاریاں ہونے لگی، سرکار کو پریشان کیا جانے لگا، سرکار کی شان میں گستاخیاں کی جانے لگی، اللہ رب العزت کو برداشت نہ ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان میں آیت کریمہ نازل فرمائی، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب کبھی نہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اور یہ آپ کی نسل کے منقطع ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ ارے نسل تو ان کی منقطع ہوگی جو آپ سے دشمنی کریں گے، جو آپ سے عداوت رکھیں گے، ان کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ دنیا میں آئے، اسلام کو مٹانا چاہتے،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान निराली है, आपकी जात निराली है। मोहतरम हज़रात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक इतना हसीन और जमील है, आपका चेहरे मुबारक ही मौजूदा था। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत समामा बिन आसान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक किताब लिखी गई है जिसका नाम अरबी में सुवरुन मिन हयाति सहाबा है, उसमें ये वाकया मौजूद है। हजरत समामा बिन आसान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अभी आप ईमान नहीं लाए थे तो इस्लाम के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें किया करते थे, इसलिए कि आप कबीले के सरदार थे, बड़ी पकड़ थी काफिरों के दरमियान आपकी। हजरत समामा बिन आसाल से जो हो सकता था आप इस्लाम के खिलाफ करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में कुछ सहाबा इकराम से मुलाकात हुई। सहाबा जानते नहीं थे कौन है, लेकिन सहाबा ने काफिर समझ के उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद लाए और मस्जिद नबवी के सुतून में बांध दिया। बांधने के बाद इंतजार करने लगे कि सरकार तशरीफ लाएंगे तो भी फैसला फरमाएंगे, जो आप फैसला फरमाएंगे वही किया जाएगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरे आका जैसे ही तशरीफ लाए सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स जो हमने पकड़ा है वो शख्स मस्जिद के सुतून में बंधा हुआ है, सरकार जरा आप गुफ्तगू फरमा लें, आप देख लें, आप जो फैसला करेंगे हम मान लेंगे। अल्लाह अकबर, सरकार तशरीफ ले गए, जैसे ही चेहरे पे नजर पड़ी तो सहाबा मेरे आका सहाबा से अर्ज करते हैं, ऐ सहाबा जानते हो कौन है? क्या फरमाते हैं सहाबा जानते हो कौन है? ये समामा बिन आसाल है, ये समामा बिन आसाल है। आप समामा के करीब गए, फरमाते हैं समामा क्या ख्याल है जरा बताओ तो सही। हजरत समामा फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो कोई बात नहीं, आपका इंसाफ होगा, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ दें आपकी मेहरबानी होगी। हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ने के बाद अपने घर तशरीफ लाए, सहाबा से अर्ज किया, मेरे सहाबा समामा को मेरी ऊँटनी का दूध पेश करना पीने के लिए, मेरे घर का खाना पेश करना खाने के लिए। हजरत समामा भी बंधे हुए हैं। जब दूसरे वक्त की नमाज के लिए तशरीफ लाए सरकार, फिर हजरत समामा के करीब जाते हैं, समामा बताओ क्या ख्याल है? हजरत समामा फिर वही जवाब देते हैं, सरकार अगर आप मुझे कत्ल कर दें आपका इंसाफ है, इसलिए कि कई सहाबा को मैंने कत्ल किया है, लेकिन आप मुझे छोड़ दें तो आपकी रहमतुल आलमीन होगी, आपकी मेहरबानी होगी आप अगर मुझे छोड़ दें। अल्लाह अकबर। हजरत समामा बिन आसाल से बार बार सरकार वही सवाल करते, हजरत समामा बार बार वही जवाब देते। अब आगे देखिए, हजरत समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीन दिन तक बंधे हुए थे, तीन दिन तक सरकार सवाल करते रहे, सरकार वही सवाल करते समामा वही जवाब देते, सरकार वही सवाल करते समामा वही जवाब देते। तीन दिन के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा समामा को छोड़ दो, जहां जी चाहे चला जाए। हजरत समामा की रस्सियां खोल दी गई, हजरत समामा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अब उनकी ज़बानी सुनिए, हजरत समामा फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी से बाहर निकला, निकलने के बाद एक बाग में पहुंचा, बाग में जैसे ही पहुंचा वहां एक छोटा सा तालाब और हौज था, वहां पर मैंने अपने हाथ को धोया, अपने पैरों को धोया, अपने चेहरे को धोया, चेहरे के गर्दों को पार को साफ किया, गर्दों को पार साफ करने के बाद जब मैं अब चलना चाहता हूँ, मेरे कदम तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मेरा दिल ये चाह रहा है, मेरा दिल ये कह रहा है, समामा इस बारगाह को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? ऐसी बारगाह तुम्हें नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। हजरत समामा फरमाते हैं कदम तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन दिल मुस्तफा की तरफ खींच रहा है, और मैं बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुआ, हाजिर होने के बाद अर्ज किया मैंने, या रसूल अल्लाह अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए।
चेहरा मुबारक, जो इंसान सरकार का चेहरा देख लेता सरकार का हो जाता। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा ऐसा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अगर बयान की जाए तो रातें कम पड़ जाए। अगर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का गुफ्तगू की जाए तो इंसान के अल्फाज खत्म हो जाएं, लेकिन गुफ्तगू खत्म नहीं हो सकती है, इसलिए कि मेरे आका की शान ही ऐसी है, मेरे आका की शान ही ऐसी है, मेरे आका का मकाम ही ऐसा है। एक मर्तबा हजरत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अकरमा अबू जहल के लड़के हैं, हजरत अकरमा तशरीफ लाए सरकार की बारगाह और आप एक तालाब के किनारे मौजूद थे, और लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं ईमान लाने के लिए तैयार हूँ, मैं ईमान लाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं कोई मौजज़ा देखना चाहता हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इकरमा बताओ तो सही क्या देखना चाहते हो? तो हजरत इकरमा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह उस टीले पर जो पत्थर नजर आ रहा है, उस पहाड़ पर जो छोटा सा पत्थर चमकता हुआ नजर आ रहा है, सरकार उसको आप अपने पास बुला लीजिए, सरकार उसे आप अपने पास बुला लीजिए। और वो जो पहाड़ था वो तालाब के बगल में था, जाहिर सी बात है अगर वो पत्थर आएगा तो पहले तालाब में आएगा, पानी में आएगा, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए और मालूम भी होगा, तजर्बा भी होगा, अगर पानी में छोटा सा पत्थर भी डाला जाता है तो पानी में डूब जाता है, पानी उसको तैराता नहीं है। लेकिन अब ज़रा देखिए, मेरे मुस्तफ़ा की शान देखिए, मेरे आका का मकाम देखिए, मेरे आका की रिफात देखिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत इकरमा ने इतना फरमाया, सरकार उस पत्थर को बुला लीजिए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, हजरत इकरमा का कहना था, सरकार ने इशारा फरमाया, पत्थर अपनी जगह से हिला, पहले तालाब में आया, अब वो तालाब का पानी जो था वो पत्थर को डुबाता नहीं है बल्कि तैराता हुआ नबी की बारगाह में लेके आ रहा है। अब किसी ने पानी से पूछा, अरे तालाब के पानी तेरी हैयत ये है, तेरा काम ये है, अगर तुझमें पत्थर डाला जाए तो तू पत्थर को डुबो दे, अपने अंदर पत्थर को समा ले। लेकिन बात क्या है, आज तेरे अंदर पत्थर डूब नहीं रहा है। तो पानी ने कहा, इस पत्थर को किसी और ने नहीं बल्कि मुस्तफा ने बनाया है, आका ने बनाया है, महबूब परवरदिगार ने बनाया है, दो जहां के मालिक मुख्तार ने बनाया है, और इस पत्थर को दुनिया का कोई पानी डुबो नहीं सकता है। अल्लाहु अकबर। वो पत्थर नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, हाजिर होने के बाद सलाम अर्ज किया, सलाम अर्ज जैसे ही करता है, हजरत अकरमा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अब देर न करें, मैंने मौजजा देख लिया है, कलमा पढ़ा के मुसलमान। ये हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसी तरीके से कई सहाबी रसूल ऐसे हैं, कई सहाबी रसूल ऐसे हैं जिन्होंने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े को देखा, मौजज़े को देखते ही आप ईमान लाए। सरकार का मौजज़ा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा हुए, जिस सुबह के वक्त आपकी विलादत होने वाली थी, एक शख्स था आमिर यमनी नाम का, आमिर यमनी यहूदी शख्स था, उसकी एक बेटी थी जो बिल्कुल अपाहिज थी, हाथ पैर उसका काम नहीं करता था। अपनी बेटी के बारे में आमिर यमनी बड़ा फिक्रमंद रहता था, लेकिन होता हुआ ये कि आमिर यमनी के दिल में अपने मजहब से बुग्ध पैदा होने लगा कि मैं अपने मजहब को मानने वाला हूँ, मैं बड़ी दुआएं करता हूँ कि मेरी बेटी सही हो जाए, लेकिन मेरी बेटी सही नहीं हो रही है, अपनी बेटी की शादी की फिक्र कर रहा था। इतने में रात में अपनी बीवी के साथ छत पे सो रहा था, क्या देखता है आमिर यमनी, यहूदी था, लेकिन रात के आखिरी पहर में क्या देखता है, एक नूर चमका, उसकी बेटी नीचे कमरे में सो रही थी और वो छत पे सो रहा था, एक नूर चमकता है, नूर चमका, उसके पूरे घर को रोशन कर दिया, और उस नूर से आवाज आई, ऐ लोगों, आज नबी आखिरुज़्ज़मां पैदा होने वाले हैं, अगर इनके सदके में आज इंसान दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमा लेगा। अभी आमिर यमनी शख्स ये बातें सुन ही रहा था, तो उसकी वो बेटी जो अभी अब उसकी वो बेटी जो हाथ से लूली थी, पैर से लंगड़ी थी,
पड़ी रहती थी तो दौड़े दौड़े छत पे आ गई। बाप ने बेटी को देखा, बेटी मेरे सामने चल के आई है। बेटी को फिर से चलाया, बेटी जरा चल के देखा कि तू वाकई चल रही है। कहा हाँ बापा जान, मैं वाकई चल रही हूँ। आखिर बाप ने पूछा, बेटी क्या माजरा है, तू आज चलने कैसे लगी? बेटी ने कहा, मैं अपने कमरे में थी, अचानक नूर जाहिर हुआ, नूर से आवाज आई, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर होने वाले हैं। इनके सदके में जो इंसान रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ मांगेगा, अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। बेटी यहूदिया थी, यहूदिया की बेटी थी, लेकिन दिल से जब रब्बे कायनात की बारगाह में महबूब के सदके में दुआ मांगती है, अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है, उसकी बेटी को शिफा दे देता है। अल्लाहु अकबर, वो बेटी शिफा पा गई। अब वो आमिर यमनी शख्स था। आमिर यमनी कहता है, चलो चलो मक्का का सफर करते हैं और देखते हैं कौन बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर, वो आमिर यमनी शख्स मक्का शरीफ आया। जैसे ही मक्का शरीफ में कदम रखा, पूछने लगा, क्या तुम्हारे यहाँ अभी फिलहाल कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने बताया, हाँ हाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा मुबारक बच्चा पैदा हुआ है। जब से आया है उसकी बरकतें लोगों पे जाहिर हो रही हैं। जब से आया है, जहां पर तारीकी थी वहां पर नूर पैदा हो गया है, वहां पर रोशनी पैदा हो गई है। अल्लाहु अकबर। आमिर यमनी पूछते पूछते हजरत आमिना के घर पहुंचता है। हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में जैसे ही पहुंचा, आपके घर पहुंचा, वैसे ही दरवाजे पर दस्तक दिया, कहा कौन है, कहा बड़ी दूर से आया हूँ, आपके बच्चे के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना इरशाद फरमाती है कि इनके दादा ने मना किया है कि इनका चेहरा किसी को नहीं दिखाना है। उस आमिर यमनी ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, इनका चेहरा देखने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला जब इतना सुनती है तो आप फरमाती है, ठीक है, अगर बहुत दूर से आए हो तो तुम्हारी आरजू पूरी की जाएगी। आप दरवाजा खोल देती है और उस कमरे का इशारा कर देती है जहाँ पर सरकार आराम फरमा होते हैं। जैसे ही आमिर यमनी बयान करता है, जैसे ही मैं सरकार के कमरे मुबारक में पहुंचा जहाँ पर सरकार आराम फरमा थे, तो सरकार के चेहरे मुबारक पर कपड़ा था, मैंने कपड़े को हटाया, ऐसा लगा जैसे कि आसमान से बिजलियां सरकार के चेहरे मुबारक पर नाजिल हो रही हैं। अल्लाहु अकबर। पूरा पूरा कमरा रोशन हो गया सरकार के चेहरे की वजह से। अल्लाहु अकबर। आमिर यमनी सरकार के कदमों को लेता है, अपने सर पे रखता है और सरकार को गवाह बना के कहता है, ऐ मुसलमानों के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, ईमान लेके आता हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूँ। आमिर यमनी यहूदी शख्स था। सरकार का मौजज़ा ये, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं माशाल्लाह सरकार किसी को कुछ दे नहीं सकते, सरकार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कुछ अता नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दोनों जहां का मालिक मुख्तार बना के भेजा, अपने महबूब को दोनों जहां का मालिक मुख्तार बना के भेजा और ऐसा मालिक मुख्तार बनाया कि जब चाहे जैसे चाहे जब चाहे जो चाहे अता फरमाए। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत रबिया बिन काब असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, आप सरकार के वजू के लिए पानी रखा करते थे। एक दिन रात में तहज्जुद के वक्त सरकार के वजू के लिए पानी रखा, पानी का रखना था, सरकार खुश हो गए। जैसे खुश हुए आप फरमाते हैं, ऐ रबिया मां क्या मांगना चाहता? सरकार का कौल, सलिया रबिया, ऐ रबिया मांग ले क्या चाहता है? हजरत रबिया फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूँ, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ, आपकी रफाकत चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अब जरा देखिए कि जन्नत में रफाकत कौन दे सकता है, जन्नत की जमानत कौन दे सकता है? वही इंसान दे सकता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का मालिक बनाया हो, वही दे सकता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का मालिक को मुख्तार बनाया हो। हजरत मुल्ला अली कारी इरशाद फरमाते हैं कि सरकार का यहाँ पर यह कहना, सल या रबिया मांग क्या चाहता है, बगैर किसी कैद के सल का फरमाना, यानी हजरत रबिया का हजरत काब हजरत रबिया बिन काब असलमी से कहना
मेहमान क्या मांगना चाहता है। सरकार का ये फरमाना बता ये रहा है कि अल्लाह ने अपने खजानों का सरकार को मालिक बना दिया है, अल्लाह ने अपने खजानों का सरकार को मालिक बना दिया है, ये बता रहा है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह अकबर, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत इमाम गुसूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम, आप फरमाते हैं कि मुझे फालिस का मर्ज हो गया। फालिस का मर्ज हुआ तो हजरत इमाम गुसूरी फरमाते हैं कि मैं, मेरा एक हाथ और एक पैर काम नहीं करता था, बड़ा परेशान था, बड़ी इलाज बहुत इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद जब बड़े बड़े तबीबों को दिखाने के बाद मेरा काम ना बना तो मैं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपना अर्ज़ा पेश किया, सरकार की बारगाह में अर्ज़ा पेश किया, तबीबों के तबीब के पास अपना अर्ज़ा पेश किया, हकीमों के हकीम की बारगाह में अपना अर्ज़ा पेश किया। मैं जानता था कि वो बारगाह ऐसी है जहाँ से कोई खाली नहीं जाता है, हर एक की फरियाद सुनते हैं सरकार, हर एक की हाजत को पूरी करते हैं सरकार, चाहे चरिंद हो, चाहे परिंद हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, हर एक की हाजत को पूरी करते हैं। हजरत इमाम मुसूरी फरमाते हैं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने अरिसा पेश किया। अरिसा पेश करने के बाद मैंने सरकार की बारगाह में नात लिखना शुरू किया और नात लिख रहा था, मौला यसल्ली वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम अमिन तज़क्कुरि जिरानिक बिदि सलामिन मज़ल्त दमअन दरामिन मुक़लतिन बिदमिन। नात लिख रहा था, नात लिख रहा था, लिखते 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 अल्लाहु अकबर क्या देखता हूँ कि मेरी आँख लग गई। जैसे मेरी आँख लगी मेरी आँखें तो सो रही थी लेकिन मेरी किस्मत बेदार हो गई, सरकार तशरीफ लाए, जैसे इस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अब जरा मेरे आका का इख्तियार देखिए, जो लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते, जो लोग कहते हैं नबी कुछ अता नहीं कर सकते, जो लोग कहते हैं नबी से नहीं मांगना चाहिए, आइए देखते हैं हजरत इमाम मुसूरी का अकीदा क्या है, इमाम मुसूरी क्या बता रहे हैं। हजरत इमाम मुसूरी फरमाते हैं मेरी किस्मत बेदार हुई, सरकार खाब में तशरीफ लाए, लाने के बाद अर्ज करते हैं मुसूरी क्या लिख रहे थे, कौन सी नात लिख रहे थे। हजरत इमाम मुसूरी फरमाते सरकार मैं ये लिख रहा था, आप पढ़ के सुनाते हैं, मौला सल्ली व सल्लम दाई मना बता अला हबीबी का खैर खल्क कुल्लिहिम अमित तसक्कुर की रानी बिधि सलामिन मसस्ता दमान दवाबिन मुकलतिन बिदमिन। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हजरत इमाम मुसूरी सरकार की नात पढ़ते जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक पढ़ रहा था मैं तो अपना दस्ते शक्कत मेरे जिस्म पर मला, दस्ते शक्कत का मन न था, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया और मुझे तोहफे में एक यमनी चादर अता फरमाया। हजरत इमाम मुसूरी फरमाते हैं जब मैं नींद से उठा तो वो चादर मेरे जिस्म पर मौजूद थी और अल्लाह ने मुझे उस बीमारी से शिफा अता फरमा दिया था। इंसान जो मांगता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वो अता फरमाता है। बहुत सारी मिसालें हैं, आपके सामने कुछ बातें और अर्ज करता हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों जहां का मालिक को मुख्तार बना के भेजा। जानते हैं मालिक को मुख्तार कैसे, एक वाकया मुझे याद आ रहा है, आप जरा सुनिए, अपने कानों को जरा, अपने जहन को जरा करीब लीजिए। हजरत इमाम एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हजरत हबीब यमनी है। हजरत हबीब यमनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अभी आप ईमान नहीं लाए थे लेकिन अबू जहल के बहुत पक्के दोस्त थे। तो जब मक्का शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करने लगे तो अबू जहल बड़ा परेशान हुआ,
कि इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम फैल रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं। तो हबीब यमनी बड़े फसीह थे, बड़े बलीग थे। हजरत हबीब यमनी बड़ी अच्छी तकरीर फरमाया करते थे, आप हकीम भी थे। तो अबू जहल ने खत लिखा, हबीब जरा मक्का चले आओ, तुमसे काम है। हबीब यमनी के पास जैसे खत पहुंचा, मक्का चले आए, अबू जहल से मुलाकात हुई। अबू जहल ने कहा कि हबीब यमनी एक शख्स है जो नबी होने का दावा करता है, नबूवत का दावा करता है, हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। हबीब यमनी तुम बहुत बड़े फसीह हो, तुम बहुत बड़े बलीग हो, तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे बोल नहीं पाते हैं। मैं चाहता हूं तुम उनसे सवाल करो, अगर वो तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो झूठे साबित होंगे, और माअल्लाह रब्बिल आलमीन जब झूठे साबित होंगे तो मक्का वाले उनके दामन को छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। हजरत हबीब यमनी ने इरशाद फरमाया, अबू जहल अगर तुम उनको गलत साबित करना चाहते हो तो एक मक्का वालों के दरमियान जलसा करो जिसमें सारे मक्का वाले इकट्ठा हों और रात की तारीकी होनी चाहिए। अबू जहल ने कहा ठीक है, ऐलान कर देता हूँ। सारे मक्का वालों को इकट्ठा कर लिया गया। चौदहवीं का चांद चमक रहा था, चांद चमक रहा था। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर भेजी गई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जो लोगों के दरमियान तशरीफ लाए। हबीब यमनी सामने खड़े हुए, अर्ज करते हैं आप नबी होने का दावा करते हैं। सरकार ने फरमाया हाँ हाँ मैं नबी होने का दावा करता हूँ। कहा आपका फरमान क्या है, आप कहते क्या है? आपने फरमाया मेरा फरमान यह है कि अल्लाह को एक मानो, उसकी जात और सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाहु अकबर। हजरत हबीब यमनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर आप नबी होने का दावा करते हैं, अगर आप वाकई नबी हैं, तो मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल मैं करूंगा, जवाब आप दोगे, दूसरा सवाल भी आप बताओगे, जवाब भी आप बताओगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रा इल्मे गैब देखिए, लोग कभी इल्मे गैब पर हमला कर रहे हैं, कभी नबी के इख्तियार पर हमला कर रहे हैं, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर हमला कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन कुर्बान जाइए बरेली के इमाम पर, आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि चारों तरफ से नबी की मिलाद पर हमले किए जा रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि नबी की मिलाद मनाना शिर्क है, कोई ये कह रहा है कि नबी की मिलाद मनाना कन्हैया जन्म मनाने की तरह है, तो आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बरेली शरीफ से पैगाम दिया, आए मेरे मानने वालों, नबी का मिलाद मनाना तो ये है, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रहा, तब में जब तक तब है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत हबीब यमनी रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मेरे पास दो सवाल हैं, एक सवाल मैं करूंगा, जवाब आप दोगे, दूसरा सवाल भी आप बताओगे, जवाब भी आप बताओगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गैबदान नबी थे, आपने फरमाया ठीक है हबीब यमनी, पहले तुम अपना सवाल करो। हबीब यमनी फरमाते हैं, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद को दो टुकड़े कर दो, अगर आप अल्लाह के नबी हैं चांद को दो टुकड़े कर दो। तारीख है, किताबों में आया है, उलमा बयान फरमाते हैं, बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। हजरत अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस ने, हजरत इमाम अस्तलानी, मदारिजुन नुबुव्वा, मआरिजुन नुबुव्वा, सारी किताबों में मौजूद है कि हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा फरमाया, जैसे उंगली का इशारा फरमाया चांद दो टुकड़े हो गए, चांद दो टुकड़े हो गया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए तो सरकार की बारगाह में आए, आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मैं आप पर उसी वक्त ईमान लेके आता जब आप बचपन में अपने पंगोड़े में थे, अपने झूले में थे, और आपकी उंगलियां रात की तारीकी थी, मैं देख ये रहा था आपकी उंगलियां किधर जा रही थी, चांद उधर ही जा रहा था, आपकी उंगलियां दाएं जाती चांद दाएं जाता, आपकी उंगलियां बाएं जाती चांद बाएं जाता, आपकी उंगलियां अगर आगे जाती चांद आगे जाता, आपकी उंगलियां पीछे जाती चांद पीछे जाता। अल्लाह अकबर। आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा के महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इशारा फरमाया चांद दो टुकड़े हो गए, चांद दो टुकड़े हो गया। जो लोग कहते हैं नबी कुछ दे नहीं सकते,
جو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مالک و مختار نہیں بنایا ہے، کیا وہ چاند کو پورے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ سورج کو واپس بلا سکتے ہیں؟ کیا ٹوٹی ہوئی ہڈی میں اپنا لعاب لگا دے کہ ہڈیاں جڑ سکتی ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے۔ آپ اگر وہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ جائے، آنکھ کے ڈھیلے کو آنکھ میں رکھ کر اپنا لعاب دہن لگا دے تو صحابہ عرض کرتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے لعاب دہن لگایا ہے ایسا لگتا ہے میری آنکھ کبھی خراب ہوئی نہیں، ایسا لگتا ہے۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چاند کو جو ٹکڑے فرما دیا۔ حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ سمجھ گئے کہ اللہ کے سچے نبی، لیکن حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب آپ کی باری ہے، آپ دوسرا سوال بھی بتائیے، جواب بھی بتائیے۔ حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ جب اتنا فرمایا تو سرکار عرض کرتے ہیں حبیب جب تم یمن سے چلے تھے اپنے دل و دماغ میں سوچ کے چلے تھے کہ اگر وہ نبی ہوں گے میں پہلے ان سے یہ سوال کروں گا کہ وہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں گے، اور اگر چاند کے دو ٹکڑے کر دیں گے تو میں مان لوں گا وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور تیری ایک بیٹی ہے جو ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، اپاہج ہے، تو ان سے اس کے بارے میں مجھ سے دعا کروانا چاہتا ہے، اللہ اس کو شفا دے دے۔ اے حبیب یمنی سن لے، تیرا سوال یہ تھا، تو اپنے گھر سے ہی سوچ کے چلا تھا، جا اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی قدموں میں گر گئے، فرماتے یا رسول اللہ اب دیر نہ کیجیے، میں مان گیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، دیر نہ کیجیے، کلمہ پڑھا کے مسلمان ہو جائیے۔ حبیب یمنی مسلمان ہو گئے۔ اب کچھ دن مکہ شریف میں رہے، مکہ شریف میں رہنے کے بعد آپ جب اپنے گھر گئے، یمن پہنچے، دروازے پر دستک دیا، وہی بیٹی جو پہلے نہ چل سکتی تھی، جو پہلے نہ کسی چیز کو پکڑ سکتی تھی، ہاتھ بھی خراب تھے، پیر بھی خراب تھے، وہی بچی دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ جیسی دروازہ کھولا، باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی صحیح و سلامت ہے۔ حضرت حبیب یمنی عرض کرتے ہیں بیٹی ذرا بتا تو صحیح، تجھے کس نے شفا دے دیا، تو کیسے صحیح ہو گئی؟ بیٹی کہتی ہے ابا جان جب آپ مکہ شریف میں کلمہ پڑھ رہے تھے، جب آپ مکہ شریف میں کلمہ پڑھ رہے تھے، جنہوں نے آپ کو کلمہ پڑھایا ہے انہوں نے مجھے بھی یہاں پر کلمہ پڑھایا ہے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد انہوں نے اب میرے بارے میں رب کی بارگاہ میں دعا کیا ہے۔ ان کا دعا کرنا تھا، اللہ نے مجھے شفا کا، اللہ نے مجھے شفا دے دیا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو آپ سورج کو واپس بلا لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں چاند کے ٹکڑے فرما دیں۔ ایک صحابی رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، سرکار باپ میں اتنی کھجوریں بھی نہیں آ رہی ہیں، اب ذرا دیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ سرکار کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، لیکن میرے آقا کا معجزہ دیکھیے، اگر صحابہ بیمار ہوتے تو سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اگر صحابہ کے پاس مال کی کمی ہو رہی ہے تو اکبر۔ اے صحابی رسول آئے، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ پر قرضہ زیادہ ہو گیا تھا، وہ انتقال کر گئے، میری باپ کو اتنی کھجوریں بھی نہیں آتی ہیں کہ میں ان سے ان کھجوروں کو بیچ کر اپنا قرضہ چکا لوں، سرکار کرم فرمائیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اس سال جو کھجوریں آ جائیں تمہارے باغ میں، کھجوروں کو توڑ کر اکٹھا کر لینا، اس کے بعد مجھے بلا لینا۔ اب ذرا دیکھیے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا شفقت دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی رسول سے اتنا فرماتے ہیں، صحابی رسول مچلتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے، جب کھجور کا زمانہ آیا، کھجوریں توڑی گئیں، ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا، وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ میرے باغ میں اتنی کھجوریں نہیں تھی کہ سارے لوگوں کو کافی ہوں، میری باغ میں اتنی کھجوریں نہیں تھی کہ سارے لوگوں کو کافی ہوں، لیکن جب میں نے کھجوروں کو اکٹھا کر
कर लिया तो सरकार की बारगाह में जाने के बाद अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैंने हुजूरों को इकट्ठा कर लिया है। आका इरशाद फरमाते ठीक मैं आता हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, बाग में तशरीफ ले आए। हजरत सहाबी रसूल अर्ज करते हैं मैंने क्या देखा कि सरकार खजूर के ढेर पर बैठ गए और इरशाद फरमा रहे हैं जिसका जितना कर्जा है अपने कर्जे के मुताबिक खजूरें लेता जाए, अपने कर्जे के मुताबिक खजूरें लेता जाए। सारे कर्ज खाहू ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह सहाबी रसूल अर्ज करते हैं सारे कर्ज खाहू ने खजूर लेते गए, खजूर लेते गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी मेरे बाप में इस कदर खजूरें नहीं थी कि मेरे बाप का कर्जा उतर जाए, लेकिन जैसी ढेर पर खजूर के ढेर पर सरकार जलवा फरोश हो गए, अल्लाह ने इतनी बरकत नाजिल फरमा दी कि सारे कर्ज खाओ ने खजूरें भी ले ली। मैं जब वापस आके देखता हूँ तो खजूरें अभी उतनी ही बाकी थी, खजूरें भी उतनी ही बाकी थी। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कौन देता है देने को मुजाहिदे, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझ के जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मोहतरम हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजजे के बारे में अगर बात की जाए, सरकार के अख्तियार के बारे में अगर बात की जाए, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व अखलाक के बारे में बात की जाए, तो किताबों को छानिए दिल बाग बाग हो जाता है। मोहतरम हजरात, बस आखिरी बात आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह पर चला जाऊंगा। एक औरत थी जो पागल थी, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने एक दिन धूप में अपने साथ बुलाया और खड़ी होकर बात करने लगी सरकार से। पागल औरत थी, मजनून थी, कोई उसकी सुनता नहीं था। धूप में लगी सरकार से घंटों बात करने लगी। जब बात कर रही थी सहाबा खड़े हुए थे, जब सरकार बात करके तशरीफ लाए सहाबा ने अर्ज किया लोगों से देखो सरकार का अखलाक इस कदर था, हम सरकार के मानने वाले हैं तो इकरा एजुकेशनल सोसाइटी से हम पैगाम लेके जाए कि हम भी अपने अखलाक को इस कदर बनाए कि लोग मुतासिर हों, हमें देखें तो ये सोचने पर मजबूर हो जाए यार जब गुलाम मुस्तफ़ा के अखलाक का ये आलम है तो आका का अखलाक का आलम क्या होगा, उनके किरदार का आलम क्या होगा। तो औरत बात कर रही थी सरकार को धूप में, सरकार पसीने से शराबोर धूप में खड़े थे। अल्लाह अकबर, जब बात करके तशरीफ लाए तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आप तो उस पागल के चक्कर में पड़े हुए थे, आप उस पागल के साथ बात कर रहे, उसकी तो कोई नहीं सुनता, उससे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे आका ने कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने इसीलिए भेजा है दुनिया में जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूँ, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूँ, इसीलिए मुझे दुनिया में अल्लाह ने भेजा है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मुझसे बोलने में किसी किसी की खामी गलती हो गई हो तो मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वा अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।